गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन अर्थात शहरीकरण का प्रभाव। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए, वैश्विक स्तर पर नगरों की संख्या में वृद्धि होना मानव के बदलते स्वभाव का परिचायक है, द्योतक है। औद्योगिकरण की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। नगरों के विशिष्ट वातावरण, शहरी चमक दमक और काम की तलाश में लोग आकर्षित होकर पास ही नहीं अपितु दूर दूर के गांवों से भी आकर नगरों में बसते जा रहे हैं। इन्हीं नगरीय समस्याओं के प्रति किंचित भी चिंता नहीं है। औद्योगिकरण के अतिरिक्त जनसंख्या में बढ़ोतरी तथा इससे उत्पन्न विभिन्न समस्याएँ भी नगरीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, देती हैं। यह ज्ञात किया गया है कि जनसंख्या वृद्धि की दर की अपेक्षा नगरीकरण की प्रक्रिया और भी तीव्र गति से हो रही है। स्नेह ऐसा लगने लगा है कि संपूर्ण विश्व की छोटे बड़े नगरों से ही अधिकांशतः बना होगा। ऐसी स्थिति अधिक दूर नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या 6.59 बिलियन से यानी 6.59 बिलियन से कुछ ही वर्षों में आधे से अधिक जनसंख्या तो लगभग 3.3 बिलियन होगी, ये नगरों में निवास कर रही होगी। वर्तमान में नगरवासियों की संख्या अनुमानतः 2.6 बिलियन है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि सन 2015 तक 4.1 बिलियन एवं 2025 तक लगभग 5.1 बिलियन आबादी विश्व के विभिन्न नगरों में निवास कर रही होगी। इस प्रकार विश्व स्तर पर आधी से अधिक नाम आबादी नगरी होगी। इसे यूँ भी समझा जा सकता है कि विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि दर 1.57% प्रतिवर्ष है, जबकि नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 2.53% वार्षिक है। कई लेखकों ने नगर को मानव के रहने योग्य, मानव के सर्वोत्तम कृति के रूप में निरूपित किया है। इनका मानना है कि अधिकांश लोगों को यही जीवन यापन करना चाहिए, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में नगर अनेक परिप्रेक्ष्य से मानव के रहने के लिए अयोग्य से होते जा रहे हैं। नगरों के इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालते हैं और वर्तमान से तुलना करने पर यह चौंकाने वाला तथ्य उभर कर हमारे सामने आता है कि अति तीव्र वृद्धि के कारण नगरीय ढांचे चरमराकर टूटने के कगार पर पहुँचते जा रहे हैं। 50,000 की आबादी को समायोजित करना वस्तुतः आधारभूत या ढांचागत व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के ही समान है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश महानगरों में अव्यवस्था का आलम देखने को मिलता है। आज पेरिस तथा लंदन की सांस्कृतिक धरोहर स्वरूप अनेक ऐतिहासिक सौंदर्य के स्थान कुकरमुत्तों के समान निर्मित अट्टालिकाओं से ढके हुए हैं और वायु प्रदूषण व ट्रैफिक अवरोध तो अत्यंत ही सामान्य बात हो गई है। विगत के कुछ दशकों में जहां जनसंख्या बहुत बड़ी है, वहीं नगरीकरण भी तीव्रता से हुआ है। विश्व के 2/3 से अधिक लोग आज नगरीय आबादी में रह रहे हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से हो रही है कि अधिकांश जनसंख्या शहरी बनती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विकासशील देशों में नगरीकरण के द्वारा अत्यधिक हो रही है। विकसित राष्ट्रों की स्थिति भी बहुत ही भयावह है। अमेरिका में सन 1920 में 1 करोड़ लोग नगरों में निवास करते हैं। सन 2020 में इस आबादी के 20 गुना होने की बात बहुत पहले ही कह दी गई थी। नगरीकरण की बात करें अर्बनाइजेशन में, नगरीकरण को जानने के लिए सर्वप्रथम गांव और नगर के मूलभूत अंतर को हमें समझना होगा। एक विशिष्ट जीवन जीने की पद्धति ही नगरीय संस्कृति कही जाती है। कुछ लेखकों ने इसे कम्फर्ट कल्चर अर्थात आरामदायक संस्कृति भी कहा है, किंतु वर्तमान परिस्थितियां बताती है कि आरामदायी संस्कृति में आराम भी क्या होने लगा है, हराम होने लगा है। भूमि के उपयोग तथा वहां रहने वालों की आर्थिक गतिविधियां जैसे कि कृषि, पशुपालन, आखेट एवं प्रकृति आधारित जीवन शैली के आधार पर ही ग्रामीण संस्कृति अर्थात गाँव की पहचान होती है। इन्हीं प्राथमिक क्रियाकलापों से गाँव को जाना जाता है। इसके विपरीत नगरों में द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ पायदानों के व्यवसाय प्रभावी भूमिका निभाते हैं। नगरों में परिवहन, व्यापार,
वाणिज्य, निर्माण उद्योग तथा उच्च सेवाओं के साथ प्रशासन संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। जनसंख्या की सघनता अथवा अधिकता के कारण किसी स्थान विशेष को नगर या कस्बा नहीं कह सकते। नगरीय क्षेत्र में व्यवसायों का विशिष्टीकरण होता है, साथ ही व्यापक रूप से श्रम विभाजन देखने को मिलता है तथा गहन सामाजिक विषमता जैसे बहुत गुण बड़े प्रभावी रूप से वहाँ नगरीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं। जनगणना विभाग द्वारा सन 1981 में नगर को निम्नांकित रूप से परिभाषित किया गया। पहला, समस्त नगर पालिकाएँ, नगर निगम, छावनियाँ या विज्ञापित नगर क्षेत्र यानी नोटिफाइड टाउन एरिया अथवा इनके समकक्ष स्थानीय प्रशासन की कोई इकाई हो नगर कही जाती है। उल्लेखनीय कि यहाँ जनसंख्या गौण है, 5,000 से कम जनसंख्या भी इसी दायरे में आती है। दूसरा, उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी स्थल जो निम्नांकित मानदंडों को पूरा करते हों नगर कहे जाते हैं, जिसमें पहला मानदंड है जनसंख्या घनत्व 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात 1,000 व्यक्ति यानी कि 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से अधिक वहाँ का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। दूसरा, 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तीसरा, कुल कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन का कम से कम 75% भाग कृषि कार्यों में लगा हो, कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगा हो। अगला है, अन्य कोई स्थान जो उपरोक्त विशेषताओं के पास ही हो किंतु प्रांतीय जनगणना अधीक्षक के अनुसार नगरीय सुविधाओं या विशेषताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता हो। नगरीय प्रतिरूप, अर्बन पैटर्न्स में बात करें, प्रतिरूपता के दृष्टिकोण से नगरीकरण पर विचार किए जाने पर ज्ञात होता है कि परंपरागत नियोजन के आधार पर ही अधिकांश नगर नियंत्रित रूप से विकसित किए गए हैं, किंतु नियंत्रण के कमजोर होने से नियोजन की परंपरा स्वतः ही समाप्त होकर नगरों के विभिन्न क्षेत्रों में मात्र जोन निर्मित के रूप में दिखाई देती है, जो प्रमुखतः 3 भाग बनाती है। पहला, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल जोन। इस क्षेत्र में उपभोक्ता सामग्री का निर्माण होता है। दूसरा, व्यावसायिक क्षेत्र कॉमर्शियल जोन। इस क्षेत्र में विभिन्न व्यवसाय होते हैं अथवा लोग कार्यालयों में कार्य करते हैं। तीसरा, आवासीय क्षेत्र रेजिडेंशियल जोन। इस क्षेत्र में लोग रहते हैं व सामाजिक जीवन का अधिक से अधिक समय अपना बिताते हैं। इस आवासीय अथवा रिहायशी क्षेत्र को पुनः फिर हम निम्न 3 भागों में बांटते हैं। पहला, पृथक पृथक घरों वाले क्षेत्र। यहाँ एक परिवार के आवासीय भवन निर्मित होते हैं। दूसरा, अनेक परिवारों के बहुमंजिला मकान या बहुमंजिला भवन। यहाँ एक ही बड़े भवन में अनेक परिवार एक साथ रहते हैं। तीसरा, सघन भवन क्षेत्र। यहाँ अनेक परिवार आपस में सटे मकानों में रहते हैं जो सघनता को दर्शाते हैं। उपरोक्त वर्णित क्षेत्र सुविधाओं विशेषकर परिवहनी सुविधा के कारण विस्तृत होते जा रहे हैं। इनके विस्तार के कारण वास्तविक नगर से कई मीलों दूरी तक इनका फैलाव हो रहा है। इस प्रकार नगर तो महानगरों में तथा विस्तृत होती बस्ती आवासीय उपनगर रेजिडेंशियल सबर्स के रूप में अस्तित्व में आती जा रही है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि उपनगरों की निर्मिति के लिए कोई विशेष या निश्चित दिशा या स्थान का महत्व नहीं है, मात्र संसाधनों की उपलब्धता एवं जनसंख्या अथवा प्रशासन की रुचि सर्वोपरि मानी जाती है। वर्तमान में तो स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि अनेक उपनगरीय वास्तविक नगर का रूप ले चुके हैं। भारत में नगरों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन इंडिया। भारत चूंकि अर्वाचीन संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है, अतः नगरों के विकास की कहानी भी बहुत ही पुरानी है। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय नगरों के विकास को 5 चरणों में निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक या पूरा ऐतिहासिक काल या हड़प्पा काल, जो 3000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक होता है। दूसरा, परवर्ती पूरा ऐतिहासिक काल या वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है। तीसरा, प्राचीन ऐतिहासिक काल या लौह युग, 800 ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। चौथा, मध्य ऐतिहासिक काल, 13वीं शताब्दी से 1850 तक। और पांचवा, वर्तमान काल, सन 1850 के पश्चात का काल। प्रारंभिक या पूरा ऐतिहासिक काल या हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जग प्रसिद्ध थे। नगरीय संस्कृति 2700 ईसा पूर्व भी पुष्पित पल्लवित होने के प्रमाण आज भी हमारे पास विद्यमान है। शिवालिक की तलहटी में अवस्थित रूपड़ नगर, कराची के पश्चिम में सुत के डागोर नगर के 4000 वर्ष प्राचीन अवशेष मिले हैं। इन भग्नावशेषों में विशिष्ट निर्माण कला और विन्यास का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इन नगरों में भव्य सार्वजनिक स्नानागार तथा कुएं के
साथ ही जल निकासी हेतु व्यवस्थित भूमिगत प्रणाली भी मौजूद थी। दूसरा है प्रवर्ती पुरा ऐतिहासिक काल या वैदिक काल। वैदिक एवं महाभारत कालीन नगरों जैसे कुरुक्षेत्र, महोबा, पुंडरी, सोनीपत, पानीपत आदि का वर्णन वेदों में मिलता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में रामटेक, मासर, मणिकल कुंड, डोंगरताल, नांदीवर्धन आदि नगर स्थापना का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के साथ ही बंगाल एवं सौराष्ट्र में भी कई धार्मिक एवं व्यापारिक नगर स्थापित किए गए थे। तीसरा है प्राचीन ऐतिहासिक काल या लौह युग। आर्यों ने द्रविड़ों को इस कालखंड में विस्थापित कर गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में नगरों के विकास का बीड़ा उठाया। तत्समय भारत आए चीनी यात्रियों हेनसांग और फैया ने अपने संस्करणों में उस समय के नगरों का वर्णन किया। ऐसा माना जाता है कि बहुत से अशोक मान तक का कालखंड नगर निर्माण की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा था। सम्राट हर्षवर्धन के बाद 12वीं शताब्दी तक नगर भली भांति विकसित होते रहे। इस समय का वास्तुशिल्प और मूर्तिकला विश्व प्रसिद्ध होकर दर्शनीय भी है। आज भी इन्हें भारतीय नगरों यथा काशी, प्रयाग, लखनऊ, दरभंगा, गया, पाटलिपुत्र, ढाका, रायपुर, मथुरा, मैसूर, तंजौर, कर्नूल, मदुरई, आगरा, मेरठ, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, चित्तौड़, उज्जैन, इंदौर आदि नगरों में देखा जा सकता है। मध्य ऐतिहासिक काल। इस कालखंड में भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर रहा, फलस्वरूप किलों का विकास हुआ तथा गढ़बंदी यानी वॉल्ड सिटीज पर नगर बसाए गए। विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न अराजकता समाप्त होने पर 16वीं शताब्दी में अकबर के समय व्यवस्थित रूप से फिर फतेहपुर सीकरी या आगरा नगर बसाए गए। शाहजहाँ ने आगरे में ताजमहल और दिल्ली का पुनर्निर्माण संपन्न किया। दक्षिण भारत में औरंगाबाद, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, मैसूर, बेंगलोर एवं हैदराबाद जैसे नगरों का विकास हुआ। औरंगजेब से अंग्रेजी राज की स्थापना होने तक नगरों का पतन होता रहा। इस समय डकैतों और लुटेरों की निगरानी हेतु ऊंचे बुर्जों एवं बुर्गजों का निर्माण किया गया। वर्तमान काल की बात करें, सन 1850 के पश्चात अर्थात 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों ने मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का विकास किया। भारत में आई नव जागृति के फलस्वरूप इस युग में व्यापार हेतु पतन नगर, सैनिक व सामरिक दृष्टि से विशिष्ट नगर, पर्यटन व शिक्षा हेतु पृथक प्रकार के नगर, राजधानी हेतु नगर, परिवहन मार्गों के जंक्शनों पर नगरों और ग्रीष्म तथा शीतकालीन राजधानी नगरों की स्थापना कर उन्हें विकसित किया गया। कई पुराने नगरों का नवीनीकरण भी इसी काल में हुआ। भारत में नगरीकरण में तीव्र वृद्धि स्वतंत्रता के पश्चात हुई। इस समय विशिष्ट नगरों जैसे शरणार्थी नगरों यथा उल्लासपुर, फरीदाबाद, बिलाखेड़ी, राजपुर, कल्याणी, वास्तिरापुर आदि, औद्योगिक नगरों यथा राउरकेला, भिलाई, टाटानगर, दुर्गापुर, अलवाई, चितरंजन, सुंदरी, नवेली आदि, पतन नगर यथा पारादीप, कांडला, हल्दिया, न्यूमंगलोर आदि, राजधानी नगर यथा चंडीगढ़, गांधीनगर, भुवनेश्वर आदि, पर्यटन नगर यथा उदयपुर, जैसलमेर, गोवा, कटक, पुरी व कन्याकुमारी आदि का विकास किया गया। नगरीकरण वर्तमान में सीमित नहीं होकर संपूर्ण देश में ही किया जा रहा है। सन 1950 से 1985 तक अर्थात 35 वर्षों में हमारे देश में नगरीय जनसंख्या में 16% की बढ़ोतरी हुई है। नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनको मुख्यतः आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पहला आर्थिक कारक। नगरों की उत्पत्ति एवं विकास में आर्थिक कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कारण है कि नगरों में निर्माण कार्य, व्यापार, परिवहन, खनन व प्रशासन आदि कार्य होते हैं। इनका आधार ही अर्थ से प्रारंभ होता है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता। उदाहरणत भिलाई, राउरकेला, टाटानगर व दुर्गापुर को विकास इस्पात के कारण हुआ है। अहमदाबाद व शोलापुर का विकास रुई की उपलब्धता के कारण हुआ है। इसी प्रकार कोयला, पेट्रोलियम व विद्युत आदि शक्ति के साधनों की प्रचुरता, साथ ही परिवहन व संचार की उत्तम स्थिति के कारण दिल्ली, नागपुर, कानपुर, हावड़ा आदि का विकास हो सका। पूंजी की उपलब्धता द्वारा नगरों में भवनों, सड़कों, बिजली व जलापूर्ति का प्रबंधन किया जा सकता है। कुशल श्रमिक व तकनीकी दक्षता जैसे कारक भी नगरों के विकास में महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगला है भौतिक कारक। नगरीय विकास में भौतिक कारकों का अपना विशेष स्थान है। इस प्रकार के अंतर्गत भूसंरचना, जल की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा, जलवायु जैसे प्रमुख कारक जो है नगरों के विकास में अहम माने जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में लोगों को सामाजिक प्रवृत्ति भी नगरों के विकास में बाधक अथवा सहायक होती है। उदाहरण के लिए आदिवासी, वनवासी, गिरिजन तथा घुमंतू जातियों के लोग नगर अथवा गाँव बनाकर रहना पसंद नहीं करते।
इनके सामाजिक प्रतिबद्धता रीति रिवाज स्थानीय तौर पर एक साथ रहने के जीवन को प्रोत्साहित नहीं करती है। राजनीतिक कारक में देखिए, प्रशासन भी सरकारी नीतियों के द्वारा नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में भारत में निश्चित विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नगरों का विकास किया गया है। चंडीगढ़ को निश्चित प्लान के आधार पर बसाया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कानपुर, जयपुर, इंदौर, पटना, कालीकट, मेरठ, जबलपुर आदि को सरकारी सहायता प्रदान कर विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार भारत में नगरों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज इन इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों का असमान वितरण देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में नगरों की बहुलता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सीमित संख्या में नगर देखे जा सकते हैं। प्रोफेसर एस पी चटर्जी ने भारत में नगरीय क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया। पहला, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का बेसिन, इस प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है कि इसके चार उपवर्ग बनाए गए। पहला उपवर्ग है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, औद्योगिक, परिवहन व प्रशासनिक सुविधाओं के कारण इस क्षेत्र में नगर विकसित हुए हैं। इस प्रकार के उदाहरण लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली व मेरठ आदि है। दूसरा है मध्यवर्ती नगर, मध्यवर्ती नगर में इस क्षेत्र में कृषि की प्रधानता होती है। इसमें लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, जौनपुर जैसे ऐतिहासिक और प्राचीन नगरों और कानपुर जैसे औद्योगिक नगर विकसित हुए। तीसरा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें जो है हुगली, दामोदर बेसिन आता है। अगला है चौथा छोटा नागपुर प्रस्थ प्रदेश, इसके अंतर्गत छोटा नागपुर के पठार के सभी प्रस्थ नगर सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा मुंबई अहमदाबाद अक्षेत्र, मुंबई अहमदाबाद पूना सूरत बड़ोदरा शोलापुर जैसे स्थलों को नगरीकरण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के कारण हुआ है। तीसरा है गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र, इस क्षेत्र में हैदराबाद, सिकंदराबाद, पारादीप, विजयनगर, विशाखापट्टनम जैसे नगर सम्मिलित किए गए विकसित किए गए। चौथा दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र, इसके अंतर्गत मैंगलोर, बेंगलोर, मद्रास अक्ष के दक्षिण का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। सन 1991 की जनगणना के आधार पर 3786 नगरों में भारतीय समस्त नगरीय जनसंख्या का वितरण है। वर्ग क्रम की दृष्टि से 299 प्रथम वर्ग के, 1013 मध्य वर्ग के तथा 2070 छोटे वर्ग के अर्थात लघु वर्ग के नगर भारत में विकसित हैं। वर्षानुसार भारत में नगरों की संख्या निम्नानुसार मानी गई है। पहला 1951 में 2843 नगरों की संख्या, 1961 में 2365, 1971 में 2590 और 1981 में 3378 और 1991 में 3768। भारत में नगरीय जनसंख्या सन 1997 में कुल जनसंख्या का 27.23% थी। उस समय नगरों में 25.43 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे और स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीकरण अत्यधिक त्वरित गति से तेजी से हुआ है, जिसे निम्नांकित सारणी से हम जान सकते हैं। देखिए 1901 में जो नगरीय जनसंख्या 29.9 मिलियन थी, उसी प्रकार संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिशत केवल 10.8 था और वही आगे बढ़ के सन 2001 में हम देखें तो नगरीय जनसंख्या मिलियंस में 306.9 मिलियन हो गई और संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 30.5% तक पहुंच गया और दशकों में वृद्धि की अगर प्रतिशत दर देखें तो 41 के आसपास पहुंच गई। उपरोक्त तालिका के अध्ययन से निम्नांकित निष्कर्ष सामान्य रूप से निकाले जा सकते हैं। पहला, प्राकृतिक वृद्धि 1941 तक हुई। दूसरा, सर्वाधिक वृद्धि 1941 से 51 के दशक में हुई, जो 41.4% थी। इसका कारण देश का बंटवारा होने से शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण को माना जा सकता है। तीसरा, नगरीकरण की प्रक्रिया में 1951 से 1961 के दशक में कमी आई, नगरीय केंद्र की परिभाषा में परिवर्तन का इसको कारण बताया गया। चौथा, नगरीकरण के द्वारा 1961 से 71 तथा 1971 से 81 के दशकों में तीव्रता से बढ़ी, ग्रामीणों का नगरों में पलायन हुआ, उद्योगकरण, ग्रामीण बस्तियों का नगरीय स्तर प्रदान किए जाने तथा नए नगरों की स्थापना और नगरों के आकार में वृद्धि होना इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारण रहे। पांचवा, ग्रामीण औद्योगिकरण एवं परिवार नियोजन के कारण सन 1981 से 93 के दशक में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 46.10 से कम होकर 36.4 ही रह गया। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में 3.05 करोड़, फिर अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश में 2.76 करोड़, तमिलनाडु में 1.90 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1.86 करोड़ व आंध्र प्रदेश में 1.78 करोड़ की नगरीय जनसंख्या है।
सन 1981 से 1991 की दशाब्दी पूर्व शताब्दी दशाब्दी में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर मिजोरम की 160.27%, अरुणाचल प्रदेश की 152.98%, त्रिपुरा की 85.75%, नागालैंड के 74.74%, केरल की 60.89% और गोवा की 48.53% आंकी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में राज्यवार नगरीय जनसंख्या का वितरण बहुत ही विषमता युक्त है। सन 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों को नगरीय जनसंख्या उनके आरोही क्रम में दिखा, जिसमें मिजोरम में नगरीकरण का प्रतिशत 46.09%, इस पर गोवा में 41.09%, महाराष्ट्र में 38.69%, गुजरात में 34.48%, तमिलनाडु में 34.20%, कर्नाटक में 30.92%, पंजाब में 29.54%, मणिपुर में 27.52%, पश्चिम बंगाल में 27.47%, उड़ीसा में 13.37%, बिहार में 13.4%, अरुणाचल प्रदेश में 12.79%, असम के अंदर 12.79%, सिक्किम के अंदर 9.10%, हिमाचल में 8.69%, उत्तराखंड में 21.47% आदि। इसी प्रकार नगरीकरण प्रतिशत की हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो देखिए 26.89%, केरल की 26.89%, हरियाणा में 24.62%, जम्मू कश्मीर 23.83%, मध्य प्रदेश में 23.83%, राजस्थान में 22.87%, उत्तर प्रदेश में 19.84%, मेघालय में 18.59%, नागालैंड में 17.21%, त्रिपुरा में 15.29%। इसी पर संघ शासित क्षेत्रों की अगर देखें तो दिल्ली में 89.92%, चंडीगढ़ में 89.69%, पांडिचेरी में 64%, लक्षद्वीप में 56.29%, दमन दीव में 46.80%, अंडमान निकोबार में 26.70%, दादरा नगर हवेली 8.46% आदि। उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला, सबसे अधिक नगर वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है। इस बार सबसे कम नगर वाले भारत के 5 राज्य आरोही क्रमानुसार क्रमशः हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार है। तीसरा, संघ शासित क्षेत्रों में सबसे अधिक नगरीय प्रथम 3 राज्य अवरोही क्रम में क्रमशः दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी है। चौथा, संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम नगरीकरण दादरा नगर हवेली है। नगरीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख तथ्य नीचे हैं लिखे गए हैं। देखिए, पहला, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक नगरीकरण देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे अधिक नगरीकरण महाद्वीप वैश्विक स्तर पर उत्तरी अमेरिका है। विश्व की सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। मुंबई की धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। भारत को मध्यम निम्न नगरीकृत देश माना गया है। भारत में 299 नगर प्रथम श्रेणी के, कोलकाता के वास्तुकार जॉन चारवाक थे, दिल्ली के वास्तुकार ई लोथियंस थे और नियोजित नगर चंडीगढ़ को प्लांट सिटी कहा जाता है, इसके वास्तुकार कॉर्बूसियर थे। थैंक यू।